नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत डिजिटल गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी और हिंदी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो ग्रेविटेशन या तो फिर गुरुत्वाकर्षण होते क्या है। देखिए पृथ्वी में यानी कि धरती के अंदर या फिर यूनिवर्स में अंतरिक्ष में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट दो वस्तु एक दूसरे को मतलब दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और इसे ही कहते हैं आपका ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो देखिए ये एक फोर्स हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये एक बल है। तो ये कौन सा बल है, ये एक ऐसा बल है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, चाहे ये दो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूरी में हो या तो फिर बहुत ही नजदीक में, मतलब एक दूसरे को टच करके हो, तो दोनों के बीच में ही दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट करते हैं ऑलवेज, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और ये जो फोर्स होते हैं ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं यानी कि एक दूसरे को अपने की ओर खींचते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से दूर चला जाएगा, ये इस टाइप के फोर्स यानी कि बल कभी नहीं होते। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, इसका जो नेचर होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं। और ये जो फोर्स देखिए, ये तो फोर्स मिल गया कि गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है, इसका द्रव्यमान मास m1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो आपका m2 है। तो ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा F, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, वो समान अनुपात में परिवर्तन होगा m1 और m2 के गुणनफल से। तो फोर्स जो होगा वो समान अनुपात में परिवर्तन होगा m1 और m2 यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के जो गुणनफल होगा उसके साथ समान अनुपात में परिवर्तन होगा। और इसका एक ये जो फोर्स ये एक और के साथ भी परिवर्तन होते हैं, वो क्या है, वो पैरामीटर क्या है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है उसके साथ भी परिवर्तन होते हैं। लेकिन कैसे परिवर्तन होते हैं, इसको आप एक नॉर्मल मतलब डेली लाइफ से भी मतलब इसे जोड़ सकते हैं। देखिए दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो दो मान लो कि ये दो मैग्नेट है। ठीक है, मानते हैं कि दो मैग्नेट, अगर दोनों मैग्नेट को तुम नजदीक लाओगे तो उन दोनों के बीच, मानो कि ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, तो ऑपोजिट पोल को जब तुम एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होते हैं। तो जब ये नजदीक रहता है तो तुम ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हो, और अगर एक दूसरे के साथ दूर चले जाते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो सिमिलर तरीके से यहां पे भी क्या होगा, देखिए ये जो दूरी होगा, दूरी के साथ ये फोर्स ऑलवेज विपरीत अनुपात में परिवर्तन होगा, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसा नहीं, ये 1/r नहीं होगा, ये इसके स्क्वायर के साथ परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो दोनों रिलेशन हमें मिल गए। अब दोनों रिलेशन को अटैच करके हमें मिल जाएगा कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो हमें मिला इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसे कहते हैं आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सूत्र। ठीक, अब देखिए यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब तुम हटाओगे, मतलब जब इक्वल लाओगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आ जाते हैं, तो एफ यहां से क्या होगा, एफ हो जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो जी यहाँ पे आया ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, वो क्या है, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी यूनिवर्सल क्यों, ये यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है ही, और इसके साथ साथ ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ना तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं और ना तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ना तो इन दोनों का जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ना तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस मेटेरियल का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसका नाम हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका जो वैल्यू है, जी का जो वैल्यू होता है वो है आपका
6.67 इंटू 10^-11, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूनिट होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कि वो आप कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए हमें क्या इक्वेशन मिला है कि एफ इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहां से जी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, तो जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहां पे देखिए फोर्स का यूनिट इंटू आपका डिस्टेंस का यूनिट डिवाइडेड बाई मास का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई में होता है आपका न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट एसआई में क्या होता है आपका मीटर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू नीचे क्या है आपका मास, तो मास का जो यूनिट जो एसआई में होता है वो आपका केजी, तो यहां पे दो है तो केजी स्क्वायर, नीचे तो ऊपर जाएगा जब, तो केजी टू दी पर -2, तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पर -2। अब देखिए जी का एक डायमेंशन भी होगा, तो जो डायमेंशन जो होगा वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए जी का जो डायमेंशन होगा वो यहां पे आपका एफ का फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन, यानी कि आपका डिस्टेंस का डायमेंशन डिवाइडेड बाई मास का डायमेंशन, दो मास है और यहां पे दो एल, ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशन वो क्या है, वो है आपका एम एल टी टू दी पर -2 इंटू लेंथ का डायमेंशन वो आपका एल स्क्वायर और नीचे मास का डायमेंशन एम स्क्वायर। तो इसको जस्ट अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एम टू दी पर -1 एल क्यूब टी टू दी पर -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी का डायमेंशन भी आ गया। अब देखिए ये जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा इसका प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषता, तो पहला क्या होगा, पहला होगा कि ये इट ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव यानी कि ये फोर्स क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज एक दूसरे की ओर लाते हैं। तो अगर ऐसा होगा और ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करते हैं तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो दो पेन है, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट और ये भी एक ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स एक्ट करेगा। तो ऐसा होगा कि ये दो तो एक दूसरे की ओर मतलब आने लगेगा, यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे ऐसे रख दिया तो ये एक दूसरे की ओर आएगा जितना मैंने पढ़ा है उसके ऊपर बेस करके। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, वो अर्थ के दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब काम करते हैं ना तो वो बहुत ही कमजोर होते हैं, तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। और देखिए आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत बल जो होते हैं उसके हिसाब से ये आपका 10^36 टाइम्स छोटे होते हैं, स्मॉलर किसके साथ, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत बल के रेस्पेक्ट में। और ये 10^38 टाइम्स स्मॉलर होते हैं किसके रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल के रेस्पेक्ट में। लेकिन एक बात और, ये धरती के अंदर इतना मतलब इसका जो वैल्यू मैग्नेट्यूड होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स में अंतरिक्ष में जो होते हैं इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाते हैं। इसके कारण ही सूरज को सेंटर बना के अर्थ या फिर कोई दूसरा ग्रह घूमते रहते हैं, यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत ही लार्ज हो जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब मास ज्यादा होगा तो ये फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा और जब मास कम होगा तो ये फोर्स बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
आगे जो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो मीडियम डिपेंडेंट सॉरी वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, मतलब मीडियम के ऊपर किसी भी माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो क्या हो गया ये मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट। तो एग्जांपल के तौर पे ये आपका एक ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका द्रव्यमान m2 और इसका सॉरी इसका m1 द्रव्यमान और इसका m2 दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दूरी मान लेते हैं r, तो अगर यहां पे f यानी कि इक्वल्स टू g m1 m2 by r स्क्वायर, ये फोर्स एक्ट करेगा और ये जो सिस्टम पूरा बना मानो कि ये सिस्टम एयर में वायु में रखा हुआ है, तो उस टाइम में फोर्स F हुआ, ठीक है, तो उस टाइम में फोर्स आपका F, और इसको पूरे सिस्टम को ऐसे ही अगर पानी के अंदर या तो फिर किसी भी लिक्विड के अंदर आप रखेंगे तो उस टाइम पे भी ये जो फोर्स होगा इसका वैल्यू सेम ही होगा, तो मीडियम चेंज हो जाए, इसको चाहे आप आवात में रखिए, वायु में रखिए या तो फिर किसी और माध्यम में रखिए, तो इसका जो फोर्स होगा वो ऑलवेज सेम ही होगा, तो ये क्या हो गया आपका मीडियम इंडिपेंडेंट हो गया। और यहां पे देखिए ये जो फोर्स ये मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसके ऊपर आप सुपरपोजिशन थ्योरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरी होते क्या है वो एक बार समझा देते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। ये आपको हो जाएगा नंबर फोर, तो सुपरपोजिशन थ्योरी में एप्लीकेबल तो सुपरपोजिशन थ्योरम होते क्या है देखिए ये थ्योरी ये थ्योरम होगा क्या देखिए यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान m1 और इसका यहां पे एक ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान आपका m2, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो आपका f1, ठीक है। अब यहां पे एक और ऑब्जेक्ट किसने रख दिया इसका द्रव्यमान m3, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इसके ऊपर भी कुछ फोर्स डालेगा और इसके ऊपर भी कुछ फोर्स डालेगा, तो मान लो कि m3 जो बॉडी है वो m1 के ऊपर f2 फोर्स डाल रहा है और इसके ऊपर मानो कि f3 फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम होते क्या है, तो यहां पे तो m1 मास के ऊपर m2 और m3 दो बॉडी कितना फोर्स दे रहे हैं, तो इसे आप सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ निकाल पाएंगे। तो कैसे, पहले m2 m1 के ऊपर कितना फोर्स दे रहे हैं वो निकाल लीजिए, उसके बाद m3 m2 m1 के ऊपर कितना फोर्स दे रहे हैं वो निकाल लीजिए, दोनों जब निकल जाए तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका टोटल कितना फोर्स यहां पे काम करेगा वो आप निकाल पाएंगे। तो यही होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा ये निकालने के लिए आप सारे फोर्स को एक एक करके ऐड करते रहिए, तो ऐड करते करते आपको जितना रिजल्ट आएगा वही होगा आपका टोटल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। इसे यही होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि एक एक करके ऐड करते जाओ और अंत में आपको जितना रिजल्टेंट मतलब अंत में आपको आपका रिजल्ट यानी कि रिजल्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये रहे कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषता, और इसके आगे देखते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका जरूरी क्या है। तो देखिए पहला बात तो ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो सूरज को सेंटर बना के कोई भी प्लैनेट मूव नहीं कर सकता, तो ये आपका पहला एक इंपॉर्टेंस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चार पास पृथ्वी के आसपास में जो आपका वायुमंडल रहते हैं ना जो एटमॉस्फेयर होते हैं पृथ्वी और उसके सराउंडिंग्स में जो एटमॉस्फेयर है यहां पे वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रहते हैं। और क्या होगा, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम जब ऊपर की ओर थ्रो करते हो, ठीक है, तुम नीचे थे तो ऊपर की ओर जब तुम थ्रो करते हो
तो वो किसी कुछ दूर जाने के बाद तुम्हारे हाथ में आकर गिरता है। वो किस लिए? वो इस गुरुत्वाकर्षण के लिए नीचे आकर गिरते हैं।